देश भर में लगातार ऑनलाइन स्कैम के मामले बढ़ रहे हैं। स्कैमर्स लोगों को टारगेट करने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि धोखेबाज लोगों को टारगेट करने के लिए इन दिनों फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम इन एप्स के जरिए चला रहे हैं, जहां पहले तो लोगों को ज्यादा प्रॉफिट का लालच दिया जाता है, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। हालिया रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कैम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानें। क्लाउड सेट, जो एक फाइबर सिक्योरिटी कंपनी है, इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इन फ्रॉड एक्टिविटीज के बारे में विस्तार से बताया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। इतना ही नहीं, फेक इन्वेस्टमेंट का स्कैमर्स ने तरीका ही पूरी तरह से बदल दिया है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया एप्स का यूज करके पहले तो लोगों को बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाए जाते हैं, बाद में लोगों के साथ ट्रस्ट बनाने के लिए धोखेबाज जाने माने सोशल मीडिया स्टार्स के भी फर्जी वीडियो शेयर करते हैं, फिर लोगों को जल्दी पैसा कमाने का झांसा देकर उनकी मेहनत की सारी कमाई हड़प लेते हैं। इतना ही नहीं, आजकल जैसे ही आप गूगल या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, तो कुछ ही वक्त बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे एप्स पर इन्वेस्टमेंट से जुड़े विज्ञापन दिखाई देने लगते हैं। साइबर सुरक्षा कंपनी क्लाउडसेक ने इसके बारे में भी अपनी रिपोर्ट में बताया है। कंपनी का दावा है कि उन्होंने पिछले 6 महीनों में फेसबुक पर 29,000 से भी ज्यादा फेक इन्वेस्टमेंट एड देखे हैं और व्हाट्सएप पर 80,000 से ज्यादा फेक इन्वेस्टमेंट के ग्रुप बने हुए हैं।